अस्सलाम वालेकुम, मैं मुजीबुल हसन और आपको खुश आमदीद कहता हूँ अपने इस यूट्यूब के चैनल पर मटीरिया मेडिका के। आज इस व्लॉग में हम बात करेंगे सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन के जो पहली दो टाइप्स हैं उनके रिलेटेड। पिछले जो व्लॉग था जिसमें हमने डिस्कस की थी उसकी टोटल टाइप्स या फिर जो मरकजी तीन टाइप्स आ जाती हैं जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनके रिलेटेड, उस पिछले व्लॉग का कार्ड यहाँ पे ऊपर शो रहा होगा और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप जाके वो विज़िट कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज के इस व्लॉग के रिलेटेड, तो आज हम डिस्कस करेंगे प्लांट किंगडम और मिनरल किंगडम के रिलेटेड। जो साथ मैंने आपको स्लाइड शो की है ये प्लांट किंगडम की है। अब इसमें जो कॉमन मेडिसिन हैं उनके नाम भी आ गए हैं और जो प्लांट किंगडम की चार टाइप्स हैं वो भी यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। अब बेसिक देखा जाए तो 60% जो मेडिसिन हैं होम्यो की वो प्लांट किंगडम से बन रही हैं। प्लांट किंगडम को अगर गूगल पे आप सर्च करते हैं सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, तो जो तीन मरकजी आपको दिखाई जाती हैं उनमें पहले पे वेजिटेबल आ जाता है, दूसरे पे मिनरल और तीसरे पे एनिमल किंगडम। अब वहाँ पे जो वेजिटेबल नाम यूज़ किया गया वो प्लांट किंगडम ही आ जाता है। अब बुक जो मेरे पास होती है वो आपको बुक भी मैंने साथ शो कर दी है, फर्स्ट ईयर की जो बुक मैं जिससे ये लेक्चर आपको दे रहा होता हूँ या जो रेफ़र करता हूँ वो यही बुक आपके लिए है। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं या वैसे आपने फर्स्ट ईयर की बुक परचेज करनी है मटीरिया मेडिका, तो ये जो राइटर है इनकी परचेज करें, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी आपको इजीली समझ भी आ जाएगी। अब 60% मेडिसिन प्लांट किंगडम से बन रही होती हैं। अब इसमें ये नहीं होता कि जस्ट जो जड़ी बूटी हैं उनको उठाया और आगे से पीस के तो मेडिसिन होगी, इनमें तकसीम किया जाता है, पोर्ट द कई अकसाम में जाके इस्तेमाल हो रहा होता है। मतलब जो प्लांट हैं वो कई टाइप्स में जाके आगे इस्तेमाल हो रहे होते हैं, मतलब उनकी जड़ें इस्तेमाल हो रही होती हैं, कंप्लीट पौधा भी इस्तेमाल हो रहा होता है, उसके बीज इस्तेमाल हो रहे होते हैं, उसके फूल इस्तेमाल हो रहे होते हैं, उसके बीज वगैरह, उसके पत्ते वगैरह, तकरीबन कह सकते हैं कि डिफरेंट जो जिस चीज़ के लिए हमें यूज़ करना होता है वो हिस्सा उसका इस्तेमाल हो रहा होता है। अब किस तरह प्रोसेस होता है वो एक अलग आ जाती है, वो फार्मेसी में हम अगर देखेंगे तो फार्मेसी में हमें कंप्लीट उसके रिलेटेड पता चलेगा कि मेडिसिन किस तरह बना रहे होते हैं। लेकिन मटीरियल मेडिकल में जस्ट हम यही अभी डिस्कस कर रहे हैं सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन जिसमें प्लांट किंगडम है, तो वो यही कि जो प्लांट इस्तेमाल होता है वो जिस हिसाब से मेडिसिन के लिए रिक्वायर्ड होगा वही इस्तेमाल किया जाएगा। अगर बीज रिक्वायर्ड है बीज इस्तेमाल होंगे, फूल तो फूल होगा, जड़ वगैरह पत्ते जड़ें ये सारा कुछ उस हिसाब से इस्तेमाल होगा जिस हिसाब से आगे रिक्वायरमेंट होगी। अब इसमें हर तरह के पौधे इस्तेमाल हो रहे होते हैं, गोश्त खोर, जहरीले, बेजरर, सब टाइप के जो पौधे होते हैं वो इसमें इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अब कौन कौन सी मेडिसिन हैं जो कि कॉमन बेस मेडिसिन हम कहेंगे जो होम्यो में प्लांट किंगडम से बन रही है, जिसमें सबसे पहले पल्सेटीला आ जाती है, दूसरे पर अगर देखा जाए ब्रायोनिया आ जाती है, एक्विनाइट आ जाती है, बेलाडोना, जलसीमियम का फिक्रुडा, रिस्टॉक्स और उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा और मेडिसिन भी हैं, क्योंकि 60% जो मेडिसिन हैं वो प्लांट किंगडम से बन रही हैं। मरकजी जो मेडिसिन थी वो मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दी हैं प्लांट किंगडम के हवाले से। दूसरे पे आ जाते हैं हमारे पास यहाँ पे जो टाइप है वो है मिनरल किंगडम। अब मिनरल किंगडम अगर देखा जाए तो 20% मेडिसिन इससे बन रही हैं। मिनरल किंगडम में धातें, गैर धातें या उसके अलावा मरकबात वगैरह ये सारी चीज़ें जो हैं मिनरल किंगडम में आ जाती हैं। अब इससे 20% मेडिसिन होम्यो की बन रही होती हैं। अगर बायोकेमिक देखी जाए तो वो भी इस लिस्ट में आप शामिल कर सकते हैं। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट मेडिसिन हैं जो सोने से मेडिसिन होम्यो की बनती है, आरम मेटेलिकम जो कि काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, काली कार्बोनिक एम पोटेशियम से बन रही है, ये काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली मेडिसिन है, और सिलेशिया ये भी काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होती है, ये रेत से बनती है, सैंड से। अब ये तीन जो ऐसी मेडिसिन थी जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हैं जो कि मिनरल किंगडम की लिस्ट में आती हैं। जो ये धातें होती हैं या गैर धातें होती हैं ये सारी की सारी होम्यो में इस्तेमाल होती हैं। जैसे पहले सेशन मैंने बताया था कि होम्यो की जो मेडिसिन हैं जो सोर्सेज हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की वो सूरज की रोशनी से बन रही हैं, मकनती से बन रही हैं, जहर से बन रही हैं, इवन हर चीज़ से होम्यो की मेडिसिन बन रही हैं। अब नेक्स्ट जो सेशन होंगे, अभी ये तो पहला सेशन था, मतलब इसकी जो पहली दो टाइप्स हैं उनके रिलेटेड हमने डिस्कस की है, अभी फिर दो होंगी, फिर ये टोटल इसके तीन सेशन बने हुए हैं जो सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन में जो इसकी आगे टाइप्स पे हम डिस्कस करें। टोटल चार सेशन हैं, तीन सेशन वो हैं जिसमें हम इनकी जो टाइप्स हैं उनके रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम पॉलीक्रिस्ट रेमडीज़ में भी पढ़ेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा जो मेडिसिन मतलब लातादाद बीमारियों पर असर कर रही होती है उनके रिलेटेड। उम्मीद है जो आज की ये सेशन ये काफ़ी ज़्यादा आपको पसंद आया होगा। कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप कमेंट सेक्शन में डायरेक्टली पूछ सकते हैं, या फेसबुक इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है,
वहाँ पे जाके आप मैसेज करके भी अपने क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं फिर इसी तरह के किसी नेक्स्ट सेशन में। दिस इज मुजीब साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।